नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा एंड वेलकम टू द एस्ट्रो जंक्शन। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जी हाँ, ये जो कोट है ये गुरु की इम्पोर्टेंस पे कहा गया है। इसमें बताया गया कि अगर भगवान भी रूठ जाएं तो आपके पास एटलीस्ट गुरु है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ जाए तो आपके पास कोई भी नहीं है। तो इस कोट से हम देख सकते हैं कि गुरु की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। वैसे भी अगर आप इंडियन कल्चर में देखें, हमारे ट्रेडिशन में देखें, तो गुरु की इम्पोर्टेंस हमेशा बहुत ज़्यादा कही गई है। गुरु की इम्पोर्टेंस को और सिग्निफाई करने के लिए ही गुरु पूर्णिमा का फेस्टिवल बनाया जाता है। इस पर गुरु पूर्णिमा 16 जुलाई यानी कि 16 जुलाई को पड़ेगी। 16 जुलाई के दिन ही रात में चंद्र ग्रहण भी होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण एक्चुअली इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 17th को होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद तो डेट चेंज हो जाती है, तो इस वजह से 17th को पड़ेगा। लेकिन गुरु पूर्णिमा ग्रहण के सूतक काल के दौरान ज़रूर होगी, तो इस वजह से जैसे ही सूतक शुरू होगा ग्रहण का, तो ग्रहण के सूतक शुरू होने से पहले ही गुरु पूजा वगैरह करनी ज़रूरी है, क्योंकि सूतक काल जैसे शुरू हो जाएगा तो उसमें पूजा वगैरह नहीं करनी है। प्रेफरेबली गुरु पूजा जो है 16 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे से पहले ख़त्म कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा। गुरु पूर्णिमा हिंदुओं में भी मनाई जाती है और बुद्धिस्ट लोगों में यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों में भी मनाई जाती है। बौद्ध धर्म के हिसाब से इस दिन भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से ये महर्षि व्यास का जन्मदिन भी है। महर्षि व्यास वही हैं जिन्होंने महाभारत जैसा एक महाकाव्य लिखा था, तो उनका बर्थडे भी होता है इस दिन, इस वजह से इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की और शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जो हैं, ऋषि वेद व्यास जी की पूजा भी करनी चाहिए, और आपके अपने जो कोई ईष्ट गुरु हैं उनकी भी आपको यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। उन्हें आप कपड़े, फल, मिठाई या कुछ पैसे, जितने भी आप यथाशक्ति देना चाहें उतने आप देकर उनकी सेवा कर सकते हैं इस दिन। गुरु पूर्णिमा एक बहुत अच्छा मौका है उन लोगों को उनकी इम्पोर्टेंस बताने का, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाया, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में आपको कुछ भी सिखाया। गुरु सिर्फ वही नहीं है जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, या आपको अगर आपने कोई डांस या म्यूज़िक क्लास ज्वाइन की है वहाँ पे आपको सिखाते हैं, सिर्फ वही गुरु नहीं है। गुरु कोई भी वो इंसान है जिन्होंने आपको लाइफ में कुछ भी सिखाया है। ये सिर्फ आपके मानने के ऊपर है कि आप उनको मानते हैं या नहीं मानते अपना गुरु, लेकिन कोई भी इंसान जिसने आपको अच्छा कुछ सिखाया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया है, वो इंसान आपका गुरु ही माना जाएगा। तो इस दिन आप ऐसे किसी भी इंसान को अच्छे से उनकी एक इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, उनसे मिलकर आप उनका थैंक्स कर सकते हैं, उनका धन्यवाद कर सकते हैं, और आप उनको यथाशक्ति, जैसा कि मैंने कहा कि आप उनको कुछ दीजिए भी, जैसे कोई कपड़े, मिठाई, पैसे, कुछ भी इस तरीके से करके उनको ज़रूर कुछ एज अ दक्षिणा उनको ज़रूर इस दिन कुछ ना कुछ दीजिए। तो इसी तरीके से आप एक अच्छे तरीके से गुरु पूर्णिमा को मना सकते हैं। तो दैट्स इट, बस इतना ही इस वीडियो में था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू। मैं ऐसी वीडियो आगे फ्यूचर में भी बनाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।